आज की इस वीडियो में हम वी शेप रिकवरी पैटर्न के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हम वी शेप रिकवरी पैटर्न को वॉल्यूम के साथ यूटिलाइज करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बेसिकली गाइज, ये वी शेप रिकवरी पैटर्न का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर गाइज आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर उस पर्टिकुलर वीडियो को भी कंप्लीटली देख लीजिएगा। अगर गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। चलिए गाइज फिर डिस्कस करते हैं। एज यू नो दैट गाइज, वी शेप रिकवरी पैटर्न एक वी फॉर्म में पैटर्न होता है, जो कि हमें बताता है जितनी तेजी से बाजार गिरा है उतनी तेजी से रिकवर हो जाएगा, उसी को हम वी शेप रिकवरी पैटर्न बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा टिल नाउ। अब बेसिकली वी शेप रिकवरी पैटर्न को हम वॉल्यूम के साथ एनालाइज करेंगे। सपोज कि कोई पर्टिकुलर शेयर है वो कंसिस्टेंसली गिर रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, स्वान एनर्जी। जैसे कि मार्च के महीने में मिड कैप स्मॉल कैप काफी कंसिस्टेंसली टूटे थे, उसी दौरान आपका स्वान एनर्जी ये पर्टिकुलर शेयर भी लगभग पीक से 30-40% करेक्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही बाजार स्टेबल हुआ उस दौरान इस पर्टिकुलर शेयर में काफी तेजी से रिकवरी देखने को मिली। वन ऑफ द मोर एग्जाम्पल IRFC, फैक्ट, RVNL, ये कुछ एग्जांपल्स है जिनमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली। तो बेसिकली गाइस, वी शेप रिकवरी उन्हीं शेयर्स में आपको देखने को मिल सकती है जो शेयर फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हो। पैनिक सेलिंग के कारण बाजार गिरता है, दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बाय ऑन अ डीप उन शेयर्स को कीजिए। एंड देन जैसे ही बाजार ठीक होता है तो आप उन पर्टिकुलर शेयर से बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब वी शेप रिकवरी पैटर्न को हम वॉल्यूम के साथ एनालाइज करते हैं। सपोज कि कोई पर्टिकुलर शेयर कंसिस्टेंसली गिर रहा है लेकिन उस दौरान उसमें वॉल्यूम स्टेगनेंट है या वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगेन वो आपको ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है वो पैनिक सेलिंग आ रही है। यहाँ से जो बाजार है वो थ्रस्ट के साथ नहीं गिर रहा है, स्ट्रेंथ के साथ नहीं गिर रहा है। तो अगर कोई भी शेयर इस सिचुएशन में इस वॉल्यूम के साथ गिरता है तो उस दौरान तुरंत ही आपको अलर्ट हो जाना है और उस पर्टिकुलर शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है और देखना है जैसे ही वो पर्टिकुलर शेयर लोअर लोस को ब्रेक डाउन करके एक कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे बॉटम लेवल पे, मतलब कि प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक डाउन ना दे और बॉटम पर ही वो समवेयर कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट हो जाए और उस दौरान उसमें वॉल्यूम धीरे 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 करके इंक्रीज हो, तो आप क्या कर सकते हो उस दौरान वॉल्यूम को यूटिलाइज करके उस पर्टिकुलर शेयर में बाय एंट्री ले सकते हो। क्योंकि कोई पर्टिकुलर शेयर बॉटम पर धीरे धीरे करके वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वो यहाँ पर एक तेजी को, एक बुलिशनेस को डिनोट करता है, तो उस दौरान आप उस पर्टिकुलर शेयर में बाय एंट्री ले सकते हो। एग्जैक्टली एंट्री लेवल से जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट रहेगा उससे 1% नीचे की तरफ, मतलब कि 1% बोले तो जो भी स्टॉक का प्राइस रहेगा उससे 1% नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट इस केस में आपको 1:4 का लेके चलना है इजिली, जो कि आपका अचीव हो जाएगा। जैसे कि स्वान एनर्जी की हम बात करें, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ इसने टारगेट अचीव किया। IRFC की बात करें तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ टारगेट अचीव किया। फैक्ट की बात करें तो 1:7 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ इसने टारगेट अचीव किया। अगेन आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी भी शेयर्स में तो आप उन पर्टिकुलर शेयर को बाय करके चल सकते हो, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो अगेन गाइज, आप भी वी शेप रिकवरी पैटर्न को इसी तरीके से वॉल्यूम के साथ यूटिलाइज करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।